Hello, good morning, friends. So it's a great day today, and so yesterday was again a great day for Nifty and the way it worked. So बहुत अच्छे से काम किया है निफ्टी ने कल. एंड एक चीज बहुत अच्छी थी कि मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूँ वो एक मैंने चीज डिसाइड की है कि पहले मैं आपको कल क्या हुआ वो बताऊंगा. दैट मीन्स यू कैन कोरिलेट, आप कोरिलेट कर पाओगे कि कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है. तो थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए चेंज कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियो को. तो पहले आपको कल क्या हुआ उसका आपके दिमाग में होना चाहिए, एंड फिर आप उसके बेस पे आप आज अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आज क्या करना चाहिए. सो इस तरह से होगा हमारा. तो आज हम सिर्फ निफ्टी के बारे में देखेंगे, ओनली अबाउट निफ्टी. ओके, स्टॉक तो आपको दे रखे हैं वहां पे, एक स्टॉक काम कर रहा है एंड दो स्टॉक्स काम कर रहे हैं, एक नहीं एंड एक अभी जोन में नहीं आया जो दिया था. ओके, सो प्लीज गो थ्रू दोस. बिफोर स्टार्टिंग दैट विल सी दिस डिस्क्लेमर, द चैनल पर्पस इज टू एजुकेट पीपल, एनालाइज ट्रेड सेटअप्स एंड डिस्कस जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ग्रुप. ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली और टू डिस्कस आवर ओन ट्रेड सेटअप्स. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस निफ्टी. ओके, तो What happened yesterday? हमने क्या क्या देखा था? तो हमने रेजिस्टेंस देखे थे पहले और उसके बाद हमने कुछ सपोर्ट्स देखे थे. ओके, जब हम कल के वीडियो में तो वी हैव दिस हियर. ओके, तो यहां पे ये चीज सुबह हमने देखी थी कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 11,090 और 11,100. तो हुआ क्या, ये कब देखा था हमने? तो ये ऑलमोस्ट 934 पे देखा था, 934 टाइम पे देखा था. यहाँ पे 40 लोग देखे. तो अब क्या हुआ, अब इसका जस्ट गो थ्रू दिस. यहाँ पे है 935 की कैंडल है ये. ओके, 5 मिनट की कैंडल है ये. 1, 2, 3, 4, 20 मिनट्स के बाद 935, तो एग्जैक्टली 0011090 पे गया. एंड वहां से जो फॉल आया है वन वे, तो वो वन वे फॉल जो नीचे आया वो, सॉरी, ये 10900 तक आया, 10900 ये वाला, तो वो 10900 तक आया. दिमाग में 11 ही चल रहा है. सो 10900 तक आया और 190 पॉइंट्स का फॉल हुआ है यहाँ पे. ओके, सो दिस वॉज द रेजिस्टेंस दैट वर्क्ड. ओके, एज सिंपल एज दैट. बट इसके साथ हमने कुछ और भी सपोर्ट बोले थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं कैसे उन्होंने काम किया, क्या किया. रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे बहुत सीख पाओगे. ओके, सो हमने ये एक कल रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था, सपोर्ट के बारे में, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे 11,000, 11,000 and 10,985 तीन पॉइंट्स का सपोर्ट है. ओके, तो यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ पे रुक जाती है. ओके, 11,000 to 10,985 एंड यहां से एक बाउंस आता है. ओके, सो द बाउंस इज, यहां पे बाउंस आ जाता है. तो द बाउंस इज फ्रॉम दिस प्लेस, ये लो किया इसने 10,991 और यहां से बाउंस किया 11,028. ओके, तो ऑलमोस्ट इट हैज गिवन 37 पॉइंट्स बाउंस फ्रॉम दिस आर सपोर्ट. तो ये हमारा सपोर्ट था. आप 2 से 3 मिनट के बीच में देख लीजिए सपोर्ट के बारे में. तो यहाँ पे रिवर्सल भी दिखा था और यहाँ से ये बाउंस आया है. ओके, और उसके बाद क्लियरली स्टेट किया था कि अगर ये ब्रीच होता है तो नीचे 70 पॉइंट्स नीचे गिरेगा, 10,920 पे आएगा. ओके, 10,920 पे आएगा. वैसे ही हुआ, 10,920 पे आया और नीचे 10,900 ब्रेक नहीं किया, 10,900 ब्रेक नहीं किया. प्राइस में 10,920 के आया, रिवर्सल यहाँ पे इन्वर्टेड, सॉरी हैमर आया यहाँ पे और यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई है फिर से. ओके, सो नाउ दिस इज द थिंग मैन, जो कल हुआ. तो हमारे दोनों सपोर्ट 10,920 वाला और यहाँ का 11,000 वाला, इसने 37 पॉइंट्स दिए और इसने यहाँ से 10,900 से लेके इट हैज मेड टॉप ऑफ 11,047. Okay, 11,047. So again, this is a great bounce from this zone.
and almost 146 points given from this support. Okay, तो आप कहाँ पे enter करते हो? हमारे साथ resistance में enter करते हो, supports पे enter करते हो, ये आप पे depend करेगा. जैसे आप video देखते जाओगे, you will come more and know about more and more about Nifty's behavior. तो आप देखते जाइए, regularity खाली रखिए. Okay, तो आज के बारे में अभी तो चल रहा है down trend. Okay, तो down trend चल रहा है short term में. तो what we are going to do? अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है. हम सपोर्ट कैसे बन गया है मैं दिखाता हूँ. ओके, ये देखिए, ये वीकली चार्ट है. दिस इज वीकली चार्ट. तो यहाँ पे एक लो मार्क किया यहाँ पे और आप ये यहीं पे आके एंटर करते हैं और ये निफ्टी जल्दी शायद ब्रेक ना. ओके, ये एक दो हफ्ते तीन हफ्ते यहाँ पे रुक जाए तो ये सपोर्ट का काम शायद करेगा. शायद, आई एम नॉट श्योर. अगर ये ओपन कहाँ पे होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. मुझे भी पता नहीं आज कहाँ पे ओपन होगा. ओपनिंग इम्पोर्टेंट है आज की. बट यहाँ पे ये होगा, शायद रुकेगा. और ऑटोमोबाइल की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको ऊपर ले जा सकती है. ऑटोमोबाइल की कंपनी. ओके, तो ऑटो कंपनीज आप जैसे कि मारुति है, एक्साइड है, आइशर है, मदरसन सुमी है. मारुति इज फ्रॉम निफ्टी एंड आइशर आई थिंक. तो ये कंपनीज पे ध्यान दीजिए. ये कंपनी शायद बाउंस दे दे, मारुति, आइशर, ऑटोमोबाइल की कंपनीज. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. दोज आर स्टॉक ट्रेड. स्टॉक ट्रेडिंग में जो है लोग वो मारुति आइशर पे ध्यान दीजिए. बाइंग के लिए अच्छा है, पोजिशनल बाइंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है. ओके, आप ट्रेड कर सकते हो उसमें. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि आज मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, कहाँ पे हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो ये जोन एक है, ये वाला 11,000 और ये 11,000 वाला, ये ऊपर वाला 11,127. बट ये नहीं है हमारा जोन. दिस इज नॉट द जोन वेयर वी आर गोइंग टू शॉर्ट. तो हमारा जोन कौन सा है, हम कहाँ पे शॉर्ट करेंगे? तो ये वाला जोन है हमारा 11,130 और 11,170. ये दो बड़े, एक बड़ा जोन बन जाता है. इसके लिए मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करूंगा. तो ये मेरा पहला जोन हो गया 11,130 और ये है 11,150 और ये है 11,170. तो 20-20 पॉइंट के मैंने जोन में डिवाइड कर लिया. ओके, सो ये पॉइंट पे मैं करूंगा कोशिश. अगर आप हमारे इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखेंगे, हम अभी 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो उस पर हमको कुछ आए हैं. मैं कुछ ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं उसके भी वीडियोस आने वाले वक्त में बनाऊंगा. रिसेंटली, हाँ, बहुत जल्द बनाऊंगा मैं उसके बारे में. ओके, तो यहाँ पे ये आज के रेजिस्टेंस याद रखिए. और ये कल का जो है, आप इसको लाइटली मत लीजिए, ये सीरियसली इस चीज को लीजिए. ये आपको दिया गया था यहाँ पे, ये सपोर्ट आपको दिया गया था 920 वाला, ये 11,000 वाला यहाँ का दिया हुआ था. तो यहाँ से आप दिन में भी 10-15-20,000 कमा सकते हैं. अगर ऑप्शंस भी करेंगे तो भी 6-7,000-5,000 के लेस इन्वेस्टमेंट है उसमें कर पाएंगे. और यहाँ पे हमारे साथ अगर ऐसे लाइव मार्केट में, अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं तो यू कैन जस्ट ज्वाइन इन. और यहाँ पे अगर आप सीख कर रहे हैं तो इट्स ग्रेट, बिकॉज किसी पे भरोसा मत कीजिए, खुद की स्टडी यूज कीजिए. इसीलिए इनिशिएटिव है कि आप खुद सीख पाए. इम्पोर्टेंट है आप खुद से चीजें कीजिए. ओके, रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर्स. तो दिस इज ग्रेट अगेन. सो हैव अ ग्रेट डे एंड अ प्रॉफिटेबल डे एंड साइनिंग ऑफ. ओके, थैंक यू.